कानपुर दंगे के आरोपियों की नई तस्वीर सामने आई है। कैमरे पर दंगे के 11 आरोपी दिख रहे हैं। नई तस्वीरों के जरिए दंगाइयों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। वहीं दंगे के पांचवें दिन यानी आज अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर वीडियो के आधार पर पुलिस दबिश दे रही है। अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टर की मदद से 5 आरोपियों की पहचान हुई। कानपुर हिंसा में बाजार बंदी के पोस्टर छापने वाले प्रेस के मालिक पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कहने पर पोस्टर छापे गए थे। पंजाब के मानसा के मूसा गांव में राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की है। राहुल मूसेवाला के माता पिता से मिले। इस दौरान राहुल के साथ पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की थी। अमित शाह से पहले पिछले हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसा गांव जाकर परिवारजनों से मुलाकात कर सांत्वना जताई थी। 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सिद्धू मूसेवाला के 7 शूटर्स की 4 राज्यों में तलाश जारी है। 9 दिन बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को अब मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। उन्हें 22 जून तक पेश होना होगा। बता दें कि पार्टी द्वारा एक्शन लिए जाने के बाद नुपुर ने अपना विवादित बयान वापस लिया था। उन्होंने दावा किया था कि भगवान शिव के लगातार मजाक उड़ाए जाने और उनका अपमान होता देख उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दे डाली थी। वहीं नुपुर शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के बाद सुरक्षा मुहैया करवाई है। कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अखनूर के कनाचक इलाके में BSF ने ड्रोन से टिफिन बम बरामद किया है। NIA अब इस बात की जांच करेगी कि ये टिफिन बम किस रूट से आया और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हम आपको बता दें कि कल रात मिले टिफिन बॉक्स के अंदर 3 मैग्नेटिक IED पैक किए गए थे, जिनमें अलग अलग समय के हिसाब से टाइमर लगाया गया था। वहीं कुपवाड़ा के चकतारस कंदी इलाके में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इनमें से 1 पाकिस्तानी है, जिसकी पहचान तुफैल के रूप में हुई है। वहीं दूसरा दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला इश्तियाक लोन है। राहुल भट्ट के हत्यारों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।